नमस्कार, आप देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ न्यूज। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मसला किसी न किसी वजह से हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। इस बीच एक काफी दिलचस्प जानकारी सामने आई है। केंद्र सरकार की नौकरियों में एससी और एसटी समुदाय से आने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व उनके लिए तय प्रतिशत से ज्यादा है, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व उनके लिए तय प्रतिशत से कम है। सरकारी नौकरियां ले पाने में ये वर्ग काफी पीछे दिख रहा है। ये जानकारी सरकार ने बुधवार को लोकसभा को दी। एक लिखित सवाल के जवाब में कार्मिक मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 78 मंत्रालय और विभागों ने जानकारी दी कि 1 जनवरी 2016 तक केंद्र सरकार की नौकरियों में एससी का प्रतिनिधित्व 17.49%, एसटी का प्रतिनिधित्व 8.47% और ओबीसी का प्रतिनिधित्व 21.57% था। इस तरह से एससी और एसटी का प्रतिनिधित्व उनके लिए तय आरक्षण क्रमशः 15% और 7.5% से ज्यादा है। केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व 21.57% है, जो कि उनके लिए तय आरक्षण 27% की तुलना में काफी कम है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि सितंबर 1993 में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू होने के बाद से उनका प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि उपलब्ध सूचनाओं के मुताबिक 1 जनवरी 2012 को ओबीसी का प्रतिनिधित्व 16.55% था, जो कि 1 जनवरी 2016 को बढ़कर 21.57% हो गया है। भले ही यह आंकड़ा बढ़ गया है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अभी तक आरक्षण मिलने के इतने सालों के बावजूद भी ओबीसी का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में उन्हें मिल रहे आरक्षण से भी कम है। फ्रेंड्स, इस मसले पर आपकी क्या राय है अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।